विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की श्रेणी में शामिल चंदा कोचर पर अब FIR दर्ज हो गई है। जी हाँ, ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर पर CBI ने अपना शिकंजा कस दिया है। वीडियो कॉन को लोन देने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में CBI ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच एजेंसी का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर दिए गए लोन से बैंक को कुल मिलाकर 1730 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। इस मामले में चंदा के पति दीपक कोचर और वीडियो कॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत को भी आरोपी बनाया गया है। CBI द्वारा जल्द ही इन लोगों से और भी पूछताछ की जाएगी। CBI द्वारा मुंबई और औरंगाबाद के 4 ठिकानों पर भी छापा मारा गया। मैं वीडियो कॉन समूह के मुंबई और औरंगाबाद कार्यालय, न्यू पावर तथा सुप्रीम एनर्जी के कार्यालय शामिल है। CBI ने छापे के अहम दस्तावेज मिलने का दावा भी किया है। कुल मिलाकर 2009 में बैंक की CEO बनी थी चंदा कोचर और 2011 तक वीडियो कॉन समूह को 3,250 करोड़ का लोन दिया गया और कुल मिलाकर 6 लोन में गड़बड़ी पाई गई और 2 लोन की समिति में चंदा कोचर भी शामिल थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।